जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होपफुली आर डूइंग गुड। कंफर्म कीजिएगा आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। यस मैम। ओके अच्छा, इसमें आज हमारा जो टॉपिक है ना, ये लास्ट वन कंटेंट है हमारा पीपीसी। और इसमें हम देखेंगे कि पीपीसी क्या है बेसिकली, पीपीसी क्यों क्रिएट की जाती है, बिहाइंड दिस क्या रीज़न है और इसके क्या फ़ायदे हैं इसको क्रिएट करने के लिए। अच्छा, पीपीसी फर्स्टली एब्रिवेटेड एज पे पर क्लिक, यूज फॉर द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम अमेजोन पर प्राइस देते हैं अमेजोन को, और इन रिटर्न अमेजोन क्या करता है कि हमारी प्रोडक्ट को रैंक करता है। जब हमारी प्रोडक्ट अमेजोन वेयर हाउस पहुँच जाती है ना, तो पहले 15 डेज कहा जाता है कि बहुत क्रूशियल डेज होते हैं ये, इन एक्चुअल कॉल्ड हनीमून पीरियड, बिकॉज उन डेज़ में अमेजोन खुद भी हमें प्रमोट कर रहा होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवाएं और मुझे बिडिंग करें, मैं आपकी प्रोडक्ट को रैंक करूँगा। इसमें चांसेस ये होते हैं कि 80 to 90% चांसेस हैं कि आपकी जो है ना पीपीसी की वजह से प्रोडक्ट रैंक कर जाए। हर सेलर की विश होती है कि अगर हम प्रोडक्ट रैंक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो फर्स्ट पेज पे आए, तो इसलिए हम पीपीसी को कंपेन को रन करते हैं। तो पीपीसी जो है ना बेसिकली इज ऑल अबाउट द टेस्टिंग। अगर हम बात करें पीपीसी की, तो पीपीसी जो है ना ये टेस्टिंग होती है एक किस्म की अमेजोन पे। और इसमें हमने क्या करना होता है, अच्छा इसमें हमने क्या करना होता है, कीवर्ड की एनालिसिस करनी होती है। फर्स्टली जो कीवर्ड एनालिसिस मैंने बताई थी ना आपको कंटेंट राइटिंग में, उसको हमने यहाँ पे उन कीवर्ड्स की बेस पे भी ये इंप्लीमेंट करने होते हैं, पीपीसी में लगाने होते हैं। हमने ना कीवर्ड को चेंज कर करके, यानी कि कीवर्ड की सारी गेम पीपीसी में कीवर्ड की है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमने ना कीवर्ड की एनालिसिस करनी होती है हर एक से दो, यानी कि एक से दो वीक के अंदर अंदर जो है ना हमने पीपीसी की एनालिसिस करनी होती है, किन कीवर्ड्स पे हमें सेल आ रही है और किन कीवर्ड्स को हमने डिलीट करना है या नेगेटिव फ्रेज में डालना है। ये डिपेंड करता है सिनेरियो पे। हमने जस्ट कंफर्मेशन करनी होती है कि पीपीसी की वजह से हमारी प्रोडक्ट जो है ना रैंक करनी होती है, तो उसमें फिर हमने कीवर्ड्स का हिसाब रखना होता है कि किन कीवर्ड्स पे को लॉन्ग टेल कीवर्ड चल रहे हैं, ये शॉर्ट है, ये आगे जाके मैं बताती हूँ कि कीवर्ड की टाइप्स कितनी है। अच्छा, पीपीसी के रिगार्डिंग ना ये कहा जाता है कि पीपीसी को क्रिएट करते वक्त ना पहले, सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस चीज़ को कंसिडर करना है कि आपका पीपीसी चलाने से पहले ना, सबसे पहले तो आप देखें कि प्रोडक्ट आपका जो प्रोडक्ट है जिस पे आप पीपीसी रन करने जा रहे हैं उस पे क्या मतलब सिनेरियो चल रहा है। फॉर एग्जांपल उस पे किस तरह से सेल आ रही है या फिर उसका प्रॉफिट कितना है। अगर प्रॉफिट नहीं है ना, अच्छा फिर उस पे पीपीसी आपने नहीं चलाना। ठीक है, ये चीज़ आपने मेक श्योर कर लेनी है। अगर प्रॉफिट ही नहीं है अच्छा, तो आगे जाके अगर फर्स्ट पेज पे भी आप आ जाएंगे रैंक करके, तो क्या फ़ायदा जब आपको उसका रिजल्ट ही नहीं मिलना है। ये चीज़ आपने मेक श्योर कर लेनी है। पीपीसी में आपने क्या करना होता है कि लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। मैं कंटेंट राइटिंग पे क्यों इतना फोकस कर रही थी, देखिए जब आपने कीवर्ड अच्छे तरीके से ऐड किए होते हैं ना, तो उन्हीं कीवर्ड की बेस पे आगे जाके आपकी प्रोडक्ट रैंक करती है। इसलिए आपको उस पर फर्स्टली फोकस करना होता है, उसमें बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन या फिर पिक्चर्स वगैरह कैसी ऐड की हुई है। इवन कि ये पिक्चर का इतना इम्पैक्ट होता है कि मेरे एक स्टूडेंट हैं, बेस्ट्री के स्टूडेंट हैं, उनकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक कर गई हुई थी, लेकिन उनको सेल इसलिए नहीं आ रही थी, उनकी पिक्चर्स बिल्कुल अच्छी नहीं थी, उन्होंने फिर वेल ऑप्टिमाइज पिक्चर ऐड की तो उनको सेल आ रही है। ये चीज़ें हमारे नज़र के अंदर ये होता है कि भाई हमने टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन हर चीज़ ओके की है तो देन फाइन है, बट ऐसा नहीं होता। उसमें पिक्चर्स वगैरह बहुत मैटर करती हैं, इवन के जाहिर सी बात है। अब आपने जी आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे, जब पिक्चर ही आपकी नहीं, इस तरह से अट्रैक्टिव बन नहीं है, तो मैं कैसे प्रोडक्ट बाय करूँगी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपने फोकस वे से बनानी होती है। अच्छा, इसमें मज़ीद कीवर्ड्स की टाइप को एक्सप्लोर करते हैं। कीवर्ड की टाइप्स ना बेसिकली, ये ओवरव्यू मैं स्टार्टिंग पे पीपीसी क्रिएट करने से पहले ना ओवरव्यू बताती चलूँ। कीवर्ड जो है ना उसकी टाइप्स होती हैं ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। अच्छा, ब्रॉड में यानी कि कौन से कीवर्ड्स, कौन सी टाइप है, फ्रेज कौन सी है और एग्जैक्ट कौन सी है, इसको ना फर्दर एलेबोरेट करते हैं इस एग्जांपल से। अब यहाँ पे देखें जी, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट है कीवर्ड्स, बेबी टॉवल पे ही इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि वो कीवर्ड जो कि सिनोनिम, एब्रिवेशन और
एक्रोनिम्स इसके अलावा मिस स्पेलिंग और इंक्लूड स्ट्रीमिंग्स लाइक ING जिन कीवर्ड्स के यानी कि एंड पे आता है ना, इन तमाम को इंक्लूड किया जाता है ब्रॉड में। ब्रॉड की ना बेस्ट एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये देखिए उन्होंने कहा हुआ है बेबी टॉवल्स है, टोडलर टॉवल्स है, बेबी टॉवल्स है, बेबी पिंक हुडेड टॉवल्स, ब्रॉड है ना। इसमें एक ये भी चीज़ आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं क्रिसमस कुशन कवर 18x18। अब ये सारे क्रिसमस पिलो कवर 22x22 या क्रिसमस पिलो कवर फॉर बेड फॉर सोफा सोफा, ये सारी चीज़ें जो है ना ये कीवर्ड्स हैं और ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। इन एक्चुअल जो हमने मैंने आपको बताया था ना प्रोडक्ट के आइडियाज़ को फाइंड आउट करते हुए AMG सुजेशन एक्सपेंडर है, वहाँ से जब भी जो हमें कीवर्ड्स मिलते हैं वो भी इन एक्चुअल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। अगर हम फ्रेज की बात करें तो इसमें कीवर्ड्स या तो एग्जैक्ट आते हैं या फिर हल्के फुल्के मैच्ड कीवर्ड्स आते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जी क्रिसमस पिलो कवर मेन है, बट पिलो कवर फॉर क्रिसमस या क्रिसमस डेकोर फॉर क्रिसमस, इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं वो फ्रेज में आ जाते हैं। एग्जैक्ट में डेफिनेटली एग्जैक्ट वाले ही ऐड होते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बेबी हुडी टॉवल है ना, तो बेबी हुडी टॉवल ही एग्जैक्ट उसमें आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ना ये कीवर्ड्स वगैरह जो है ना इसको हमने ऐड करना होता है और इस टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। अच्छा इसमें ना एक और चीज़ है कि PPC जो है ना इसकी टाइप्स आ जाती हैं, मज़ीद PPC की कंपेन की ना टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए स्पॉन्सर ब्रांड एड्स एंड स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स एंड डिस्प्ले एड्स। अब इसको ना एलेबोरेट करते हैं फर्दर, कि इसको ना मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एलेबोरेट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अच्छा अभी इसमें ना आप देखिएगा कि जैसे PPC को कंपेन को क्रिएट करते हुए हमने क्या करना होता है, एडवर्टाइजिंग में आपने आना टैब में, ठीक है। सेलर सेंट्रल के एडवर्टाइजिंग टैब पे आप आएंगे और कंपेन मैनेजर पे क्लिक करना है, ठीक है। अब कंपेन मैनेजर पे क्लिक करने के बाद ना वो आपको थ्री टाइप्स की PPC की कंपेन वो बताएगा कि आप कौन सी क्रिएट करना चाहते हैं, स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड या स्पॉन्सर डिस्प्ले। इनको ना हम मज़ीद एलेबोरेट करते हैं कि किस टाइप की कंपेन होती है और हम इसको इनको किस तरह से क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम amazon.com में हम जाते हैं और amazon.com पे मैं आपको एक एग्जांपल इंपोर्ट करते हुए ना इसको एलेबोरेट करती हूँ। तो USA ही हम पोस्टल कोड एंटर करते हैं फिलहाल। अब यहाँ पे कोई कीवर्ड राइट करके ना तो उसकी मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल की होल्डर और की होल्डर पर वॉल पे इसको ना एलेबोरेट करते हैं। इसमें ना देखिएगा स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर डिस्प्ले और स्पॉन्सर ब्रांड्स, इन तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले स्पॉन्सर प्रोडक्ट, ये जो टॉप पे है ना, ये जो टॉप पे है ये SP शो हो रहे हैं ना स्पॉन्सर, ये जो टॉप पे है इनको कहते हैं स्पॉन्सर ब्रांड, ठीक है। इनको अमेजोन ने इसलिए अलो किया हुआ है क्योंकि इनकी दो से तीन प्रोडक्ट अमेजोन पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अमेजोन ने इनको अलो कर दिया भाई आपके प्रोडक्ट में सबसे टॉप पे दिखाऊंगा। इसके अलावा जो नीचे स्पॉन्सर वाले हमें शो होने हैं ना वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स वाले हैं, ये जो स्पॉन्सर वाला शो हो रहा है। इसके अलावा और भी साथ ही SP राइट किया होता है, तो ये जितने भी नीचे हमें स्पॉन्सर वाले शो होंगे ना लास्ट पे भी हो सकते हैं फर्स्ट पेज के। तो ये बेसिकली कौन से होते हैं, ये जैसे स्पॉन्सर वाला शो हो रहा है, तो ये जितने भी स्पॉन्सर वाले शो हो रहे हैं ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा एक और इनका ना होता है स्पॉन्सर डिस्प्ले, उसको भी देख लेते हैं। स्पॉन्सर डिस्प्ले का मतलब होता है किसी की लिस्टिंग या किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग में जब हम जाते हैं ना तो वहाँ पे हमें ये नीचे शो हो रहे होते हैं, ये यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल। हाँ जी ये देखिए ये स्पॉन्सर वाले, ये जितने भी शो हो रहे हैं ना ये स्पॉन्सर डिस्प्ले है। तो स्पॉन्सर डिस्प्ले भी हम नहीं करते, ये वाली कंपेन नहीं हमने रन करनी होती, क्योंकि किसी की लिस्टिंग में कोई सेलर जाएगा फिर वो देखेगा कि ये भी शो हो रहे हैं, बल्कि हम ये रिकमेंड नहीं करते। और स्पॉन्सर ब्रांड्स तो हमें अलो ही नहीं है ना, क्योंकि
हमारी प्रोडक्ट तो पीछे रजिस्टर ही कोई नहीं हुई होती, हम तो न्यू सेलर है, फिर हमने स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे चलना होता है, ठीक है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे हमने चलना होता है, और फिर हम इसको देखते हैं कि ये हमें लो होती है, हम इसको रेकमेंड करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ जाए और हमें भी सेल आए। अब इस पे फॉर एग्जांपल जी ये देखिए स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट हमने ना क्रिएट किस तरह से करनी है उसको देख लेते। हमने क्या करना होता है, तमाम कीवर्ड्स की ने एक फाइल बनानी होती है, उसको हमने एक्सेल के फॉर्म में ना ऐड अपने पास रखना होता है। जैसे आपने देखा होगा मैंने वर्ड, जब मैंने कंटेंट राइटिंग करवाई है उसमें भी मैंने ये वो फाइल बनवाई थी आपसे, उसमें वही जो फाइल होती है उस बेस पे हमने ये तमाम जो है ना करना होता है, लाइक उन कीवर्ड्स की बेस पे हमने ना कंपेन्स वगैरह क्रिएट करनी होती है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल कि इसको मैंने जैसे कि आपको बताया ये तकरीबन 5 से 6 टाइप्स की ना कंपेन हमने यहाँ पे रन करनी होती है। अब इसमें ना एक आ जाती है, ये देखें जी, एक आ जाती है ऑटोमेटिक और एक आ जाती है मैनुअल। मैनुअल में भी एक आ जाती है कि मैनुअल की 2 टाइप्स है मज़ीद, कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है, और कीवर्ड टारगेटिंग की भी मज़ीद 2 टाइप्स हैं और प्रोडक्ट टारगेटिंग की भी मज़ीद 2 टाइप्स हैं, इस लिहाज से ना टोटल मिला के 6 टाइप की कंपेन हमने क्रिएट करनी होती है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ना ये टर्मिनोलॉजी मैं अब आपको एक्सप्लेन करती चलूँ, फिर हम ऑटोमेटिक, सबसे पहले ऑटोमेटिक जो है ना वो टारगेटिंग जो है वो क्रिएट करके देखेंगे। अब ये देखें जी, कंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी में अगर हम बात करें तो एक आ जाती है डायनामिक बिड डाउन ओनली, डायनामिक बिड अप एंड डाउन एंड फिक्स बिड, ये क्या है इसको फर्स्टली हम देख लेते हैं। अगर डाउन ओनली की बात करें ना, तो डाउन ओनली में फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मुझे क्लिक पड़ते रहे और प्रोडक्ट बाय ना हुई तो अमेज़ॉन खुद ही डाउन की वजह से ना मेरी प्रोडक्ट शो ही नहीं करेगा, ठीक है, और इसमें ये चीज़ आ जाती है कि अमेज़ॉन जो है ना डाउन की वजह से मेरी प्रोडक्ट शो नहीं करेगा। अच्छा, ये कंफर्म कीजिएगा आवाज़ आ रही है सबको। अच्छा, इसमें मैं बात कर रही थी कि डायनामिक बिड डाउन ओनली, डायनामिक बिड डाउन ओनली में जैसे कि मुझे सेल नहीं आ रही थी, अमेज़ॉन ने मेरी प्रोडक्ट को ना, मेरी बिड को 1 मैंने सेलेक्ट किया हुआ था और अमेज़ॉन ने उसको ना यानी कि मैंने जो भी बिड सेलेक्ट की हुई थी अमेज़ॉन ने उससे लो करके ना, तो मेरी प्रोडक्ट टॉप पे शो ही नहीं करनी, तो इससे ये होगा कि मुझे जो फजूल में क्लिक्स पड़ने थे ना और मेरी बिडिंग होनी थी उससे मैं प्रिवेंट हो जाऊँगा। आगे अगर डायनामिक बिड अप एंड डाउन की अगर हम बात करें ना, तो उसमें ये है कि देखिए अप एंड डाउन में हमने क्या करना होता है कि अमेज़ॉन खुद ही मेरी कन्वर्जन हिस्ट्री को खुद ही रीड करेगा, अप एंड डाउन करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक बिड लगाई है ना कि अमेज़ॉन खुद ही 2 करके मुझे टॉप पे शो कर देगा, और डिपेंड करता है कि अमेज़ॉन को हमने अथॉरिटी दी है कि मेरी प्रोडक्ट पे जितनी भी बिडिंग लगे जस्ट मेरी प्रोडक्ट आपने टॉप पे शो करनी है, तो अमेज़ॉन टॉप पे शो कर देता है। इसके अलावा फिक्स बिड का ये होता है कि जितनी आपने सेलेक्ट करनी है ना उतनी ही रहनी है, ये अप एंड डाउन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2 बिड सेलेक्ट की है तो 2 ही रहेगी, ये अप एंड डाउन नहीं हो सकती। इसमें ना फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑटोमेटिक टारगेटिंग किस तरह से क्रिएट करनी है वो मैं आपको बताती चलूँ। अमेज़ॉन ना अपने एल्गोरिथम के हिसाब से खुद ही प्रोडक्ट को रैंक करेगा, ठीक है, आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कंपेन का नेम राइट करना है, ठीक है, कंपेन का नेम राइट करना है, और कंपेन का नेम आपने इस तरह से राइट करना है, फॉर एग्जाम्पल कुशन कवर है ना, तो कुशन कवर AR2, ठीक है, आपने क्या करना है 7-8 राइट कर लेना है ताकि आपको जो है ना ये आइडिया हो कि ये हम ऑटोमेटिक वाली चला रहे हैं। तो आप बोलते यहाँ पे आपने क्या करना है कि क्वेश्चन कवर AR2 की वजह से आपने क्या करना है कि ऑटो कंपेन रन करनी है, तो ऑटो को साथ जरूर मेंशन करना है ताकि आपको याद हो कि ये हमने ऑटो वाली रन की है, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक चूंकि हम रन कर रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, इसमें ना स्टार्टिंग पे जो है आपने क्या करना है कि $15 या फिर आपने $20 सेलेक्ट करनी है,
ऑटोमेटिक जब आप रन कर रहे होंगे ना, तो आपने $50 या $20 सेलेक्ट करने हैं। ऑटो जो है ना बहुत एडवांस है, क्योंकि ये बजट भी बहुत ज़्यादा लेती है, लेकिन इसके डेली चार्जेस भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। डेली बजट जो कि अगर चूंकि अगर हम बात करें ना ऑटो की, तो ऑटो में डेली बजट के हिसाब से ये अगर 20 या आप $15 लगा रहे हैं, तो इट्स मीन कि ये आपके डेली के डेली कंज्यूम होंगे। ये कंपेन जो है ये 24 घंटे तक हमने चलानी होती है, ठीक है। आपने क्या करना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है ना बजट आप सिलेक्ट करेंगे $15 से $20, और नीचे आपने क्या करना है कि यहाँ पे स्टार्टिंग पे 1 वीक तक डाउन ओनली पे रहने दीजिएगा, और बाकी बाद में फिर आपने अप एंड डाउन पे क्लिक कर देना। स्टार्टिंग पे 1 वीक जस्ट आपने डाउन ओनली पे क्लिक करना। अच्छा, इसमें जो है ना कंपेन का नेम राइट करें, ठीक है, और स्टार्टिंग डेट जिस डे पे आपने चलानी है, एंडिंग डेट जिस डे पे आपने एंड करनी है। अब इट्स अप टू यू, ना भी इसको सिलेक्ट करें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डेली का बजट आपने क्या रखना है, $15 या $20। अब आपने ये जो कंपेन को यानी कि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपने ऐड कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे लॉन्च कंपेन है राइट किया हुआ, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना, तो ये आपकी ऑटोमेटिक वाली जो कंपेन है ना, ऑटोमेटिक टारगेटिंग, वो आपकी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसमें ये है कि ऑटोमेटिक टारगेटिंग के बाद जो है ना मज़ीद 6 टाइप की चूँकि कंपेन रन करनी होती हैं, तो नेक्स्ट जो है वो मैनुअल की फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें मैनुअल की कीवर्ड टारगेटिंग के अकॉर्डिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग के अकॉर्डिंग है। तो वो कल देखेंगे, जस्ट आज का टॉपिक यहाँ तक ही था कि ऑटोमेटिक कंपेन रन करना मैंने आपको बताई है। इसमें कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप डिस्कस करें। स्टूडेंट, हाँ किसी जी का कोई जी क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी। हाँ अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। जी। ये क्वेश्चन है कि जो बिडिंग है तो इनिशियली बिडिंग माने वी नीड टू बिड, सिस्टम बिड करेगा या कैसा, इसको कैसा स्टार्ट होगा ये बिडिंग प्रोसेस? इसमें ना बिडिंग जो मैं बार बार टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, इसका मतलब ये है कि अमेज़ोन ना आपसे चार्ज करेगा इस चीज़ के जो आप रैंक कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को ना। तो अगर हमने फॉर एग्जांपल $20 यहाँ जी पे सिलेक्ट किया डेली का बजट, तो इट्स मीन हमने 20 बिड लगाई है, तो 20 बिड हमारी डेली की कंज्यूम होगी अगर हम ऑटोमेटिक टारगेटिंग चला रहे हैं। तो बिडिंग का मतलब इन एक्चुअल ये है। अच्छा जी। तो बिडिंग है माने कौन बिड ज्यादा करता है उसको मिल जाएगा ना, जो जो एड या कैंपेन या लिस्टिंग जो भी करता है अमेजोन। लेकिन इन दिस सेंस राइट, तो अभी बिडिंग का मीनिंग तो अलग है ना, तो भी अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूँ कि बिडिंग का मतलब ये है इन एक्चुअल के, फॉर एग्जांपल अगर इस सेलर ने, मैं एग्जांपल देके इंपोर्ट करती हूँ आपको ये चीज़। अच्छा, इस सेलर ने अगर ये देखे, ये कंपेन रन करके बैठे हुए हैं, अब जो लास्ट पे है ना वो इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि उसने बिडिंग जो की है ना अमेज़ॉन को, वो मे बी इन सेलर से कम की है। अमेज़ॉन रैंक ही बिडिंग के हिसाब से करता है, जो ज़्यादा बिड करेगा वो टॉप पे ज़्यादा शो होगा। तो अमेज़ॉन का एल्गोरिथम इस तरह से वर्क करता है कि बिडिंग जिसकी हाई हो, अमेज़ॉन उसके अकॉर्डिंग ही उसको उतना ही टॉप पे शो करेगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। कोई क्वेश्चन? मैम जो पीपीसी के जो कीवर्ड्स हैं और जो हम लिस्टिंग का जो कीवर्ड्स बनाते हैं, तो इट विल बी द सेम और उसमें कुछ डिफरेंस रहेगा? जो लिस्टिंग के आपने कीवर्ड्स बनाने हैं ना, आपने उनको भी यूज़ करना है यहाँ पे। और कल मैं मज़ीद आपको बताऊँगी कि आपने जो नेक्स्ट मैनुअल की टारगेटिंग चलानी है ना, उनके लिए कीवर्ड्स आपने किस तरह से एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो वो फिर आपने कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करते हुए उन कीवर्ड्स की बेस पे भी लिस्टिंग चलानी है। तो देखिए, कीवर्ड्स की लिमिटेशन कोई नहीं है, कीवर्ड जितने हों उतने ही कम है, लेकिन किस तरह से एक्सट्रैक्ट करने हैं वो डेफिनेटली मैं कल मज़ीद आपको इस चीज़ को ना एलैबोरेट करूँगी।
ठीक है मैम, थैंक यू। और एक क्वेश्चन ऐसे है, जो जो पिक्चर्स रहेगा ना, जो पिक्चर्स जो हम जो अमेजोन की लिस्टिंग में ऐड करते हैं, तो उसके सर्विसेज कहाँ से लेना पड़ेगा हमको? जो पिक्चर्स वगैरह आप यूज़ करते हैं उसकी सर्विसेज, अच्छा उसकी सर्विसेज जो है ना, ये फोटोग्राफर बैठे होते हैं डिफरेंट वे से सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा आपने अगर बनवानी है ना, तो मैं एक बेस्ट सर्विस है इस टाइम पे वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी मेरे बैच 6 की शायद वो स्टूडेंट हैं, बैच 5 की, तो उन्होंने जो है ना क्रिएट करवाई है, और मैं उनका ना नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप उनसे रابطہ कीजिएगा। जिनसे उन्होंने सर्विस ली है ना, बहुत अच्छी सर्विस उन्होंने ली है उनसे, तो आपको खुद भी गाइड कर देंगी कि उनके क्या चार्जेस इस टाइम पे चल रहे हैं। वैसे तो लोग जो हैं वो फाइवर से भी ये सर्विस ले रहे हैं, या फिर आप गूगल से भी ले सकते हैं वो, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी आप उनसे बात करें, क्योंकि उनकी जो है ना, मैंने अभी रिसेंट उन्होंने मुझे चेक करवाई है अपनी इमेजेस वगैरह, तो बहुत अच्छी थी उनकी सर्विस। ठीक, तो उनको प्रोडक्ट हम भेजना पड़ेगा ना उनको, या कैसा रहता है उसको फॉलोअप कैसे करना पड़ेगा उनको? हम प्रोडक्ट भेज के बाद में, या पहले चार्जेस बात कर लेके बाद में उनको प्रोडक्ट भेजना पड़ेगा? नहीं, उसमें ये चीज़ आ जाती है ना कि अभी चार्जेस का तो डेफिनेटली वीए की फील्ड में चार्जेस तो फर्स्ट ही होते हैं, वो जो भी आप सर्विस ले लें डिपेंड करता है सर्विस प्रोवाइडर पे, कि वो आपको पहले सर्विस दे के चार्जेस लेता है या बाद में। तो लेकिन इसमें आपने किस तरह से करना है, कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो सैंपल मंगवाते हैं, उस सैंपल की बेस पे जो है ना वो फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इमेजेस की बेस पे कर लेते हैं, तो डिपेंड करता है ये भी सर्विस पे। आप इनसे बात कीजिएगा, वो आपको कंप्लीट बेसिक गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे उनका क्या प्रोसीजर है और किस तरह से वो लेके चलते हैं इन चीज़ों। ठीक है। मैं और एक क्वेश्चन है, और जो जो होलसेल के लिए, तो इसका तो कुछ चक्कर नहीं है ना, जो हम नहीं पिक्चर्स नहीं का ट्रैवल और होता है वो, ऐसा चीज़ कुछ? तो नहीं होता वहाँ पे, तो हमें फोटोग्राफी भी नहीं करवाना पड़ती, वो समथिंग डिफरेंट है फ्रॉम प्राइवेट लेबल मॉडल। जी, ठीक है। लेकिन सपोज हम लिस्टिंग को इम्प्रूवमेंट करेंगे करके, हम होलसेलर से कुछ हम बात करेंगे, तो हमको कराना पड़ेगा उसका, और हमें ही चार्जेस पे करना पड़ेगा उसका भी? नहीं, उसमें हम बिल्कुल भी लिस्टिंग की तरफ नहीं जाते, उसमें ना ही हमने इमेजेस वगैरह खुद ऐड करने होते हैं, वो तो डिफरेंट वन है, लाइक ब्रांड की प्रोडक्ट है उसने करवाना है सारा कुछ, लिस्टिंग वो ऑप्टिमाइज करवाए या इमेजेस वगैरह बनवाए, हमने जस्ट मीट टू करना है, वो सिंपल सा प्रोसेस है, अच्छा उसमें ये चीज़ें नहीं आती, ये टोटली डिफरेंट है फ्रॉम प्राइवेट लेबल मॉडल। जी, ओके, थैंक यू। ये जी बस इतना ही है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वेलकम सलाम। जी मैम, जो ये कंपेन हम लोग रन करते हैं पीपीसी, तो क्या क्लाइंट हमारे साथ कॉपरेट करते हैं? यानी कि वो ये चाहते हैं कि हम अगर पीपीसी रन करेंगे, उनको पता है चार्जेस भी, फिर वो उन्हीं से हम चार्ज करवाएंगे ना, अगर अमेजोन जाए बताए उस पर चार्ज करता है, तो क्या वो हमारे साथ कॉपरेट करते हैं कि हम पीपीसी रन, हम उन्हें बताएंगे कि पीपीसी रन करनी पड़ेगी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए, तो क्या वो इस तरह से हमें देते हैं कि आप लोग ये कर लें या नहीं, ये कहेंगे मैनुअली आप खुद करें या रैंक करें हमारे प्रोडक्ट को? क्योंकि इस तरह की चीजें भी ना, अभी एक एज अ टीम वर्क हम काम कर रहे हैं, मगर अभी पीपीसी की तरफ आए नहीं है, तो मुझे ये इसलिए ही था, पीपीसी से रिलेट मैं थोड़ा सा ना नॉलेज लेना चाह रही थी कि पीपीसी में जब हम कंपेन ये पीपीसी रन करते हैं, तो क्या वो जो क्लाइंट है हमारे साथ कॉपरेट कर लेते हैं कि आप करें पीपीसी रन, या उन्हें नॉलेज होता है, या हमें ही देना पड़ता है उन्हें सारा नॉलेज? नहीं, इसमें जो है ना कंपेन रन आपने ही करनी है एज अ बीए, जब आप सर्विस उसका अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, बस ये जो चार्जेस हैं ये डेफिनेटली क्लाइंट के अपने अकाउंट से जाते हैं, वहाँ पे आपका नहीं। और कंप्रोमाइज़ करने की बात ये है कि क्लाइंट से जाहिर सी बात है उसको काम चाहिए, उसने प्रोडक्ट को रैंक करना है, उसको वो भी नीड है, तो वो पैसा तो लगाएगा, तो वो फिर आपने स्टार्टिंग पे उसको कंप्लीट वे से गाइडलाइन करना होता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करनी होती है कि हम किस तरह से मूव ऑन करेंगे और कितना बजट लगेगा। पहले तो पीपीसी रन करने से पहले तो आप उसकी लिस्टिंग वगैरह चेक करें ना, क्या लिस्टिंग वेल ऑप्टिमाइज्ड है, क्या उसने क्या उसके प्रोडक्ट पे कोई प्रॉफिट मार्जिन भी है कि नहीं, विनिंग प्रोडक्ट है कि नहीं, अगर ठीक है फिर आप कंपेन की तरफ मूव ऑन करें। आप उसको स्टार्टिंग में बता दें कि $1,000 कहीं नहीं गया जो कि आपके पीपीसी पे हम स्पेंड करेंगे, अगर तो क्लाइंट छोटे दिल का मालिक है फिर तो वो करवाएगा ही नहीं पीपीसी, वो भाग जाएगा। अगर उसने करवाना है वो एग्री है, तो देन डेफिनेटली आप मूव ऑन करें और
वो फिर बाद में ये चीज़ आ जाती है कि उसने गो हिट दी है आपको, क्लाइंट के अकाउंट से पेमेंट वगैरह जानी है वो, आप उसका कोई इसका कोई इशू नहीं है आपको। यानी मैम हम पहले ही क्लियर कर दें कि ये सिनेरियो अगर आपने ऐसा काम करवाना है वीजा, तो हम पीपीसी को भी रन करना होगा, यानी पहले से उनके दिमाग में डाल देना चाहिए, क्योंकि वो जो जिनका हम कर रहे हैं ना वर्क, उनको इस चीज का भी कोई नॉलेज नहीं है, जो हम बताएंगे वही। पर मैम आपको इसका कोई क्राइटेरिया भी होता है कि कितना पीपीसी के लिए चार्ज करता है अमेजोन, या इसका भी कोई एक अलग से सिनेरियो वगैरह, या नहीं देखना पड़ता है कौन सा कीवर्ड है, कौन सा प्रोडक्ट, हर एक का डिफरेंट होता है। इसमें ना ये चीज़ आ जाती है, अब हर प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, कोई प्रोडक्ट ज़्यादा पीपीसी कंज्यूम कर जाती हैं, कोई ज़्यादा यानी कि बिडिंग ले जाती हैं, कुछ कम थोड़ी सी बिडिंग पे रैंक कर जाती हैं, वो डिपेंड करता है सिनेरियो पे और प्रोडक्ट पे कि प्रोडक्ट आपकी कैसी है। कंपटीशन पे डिपेंड करता है कि जो सेलर उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं वो कितने हैं, अगर वो 500 600 है इट्स मीन फिर आपको इतना बिडिंग नहीं लगनी, लेकिन अगर वो 2000 4000 इस तरह से आ रहे हैं फिर तो डेफिनेटली आप अच्छा खासा वो बजट लेगी। ओके ओके मैम जी, ठीक है, फिर भी इंशाल्लाह मैं आपसे पूछूंगी भी थोड़ा साथ साथ ना, वो थोड़ा सा कर लें पहले तो। और मैम ये बीडिंग स्टैंड फॉर, अभी थोड़ा सा इसका कंफ्यूजन सी आ रही है बीडिंग की, थोड़ा सा इसका मजीद बताएंगे कि बीडिंग स्टैंड फॉर मतलब बिडिंग किसके लिए? जी, का जी, बिडिंग का पता क्या मतलब है? बिडिंग का मतलब ये है कि ये जो चार्जेस आपने लगाने हैं पीपीसी अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए अमेज़न को प्रोवाइड करने हैं, इन एक्चुअल दिस इज इन एक्चुअल कॉल्ड जी बिडिंग, कि हमने अमेज़न को बता देना, अमेज़न को हमने बिडिंग में ये कहना है कि अमेज़न इतने जो है ना, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जब हम सिलेक्ट करेंगे ना $20, हमारी प्रोडक्ट जो है यस अमेज़न मैम, ने ऑटोमेटिक वे से एक दिन के अंदर $20 कंज्यूम करने हमारे, और उसमें से फिर अमेज़न ने अपनी मर्जी से, अमेज़न को पता है आप कितने डॉलर लगने हैं हमारी प्रोडक्ट को रैंक करते, मे बी एक सेलर ने अगर 4 की बिडिंग लगाई है तो हमने अमेज़न ने हमारी 5 बिडिंग करके हमारी प्रोडक्ट को आप पे शो करने की कोशिश करनी है। अब वो डिपेंड करता है कि हमें सेल आई है नहीं आई, क्लिक आया है नहीं आया हमारी, अगर क्लिक आ गया ऑर्डर नहीं हुआ या सेल नहीं हुई प्रोडक्ट तो हमारे तो वो बजट में से चले जाएंगे ना, तो वो इट्स मीन कि इसका ये मतलब होता है। अब अमेज़ॉन ने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, अमेज़ॉन ने तो लगा देनी है हमारी प्रोडक्ट टॉप पे इस तरह से, लेकिन आगे वो सेल आती है उस पर क्लिक आ गया सेल नहीं आई या इंप्रेशन सिर्फ आ गया से क्लिक भी नहीं आया, तो वो फिर हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। अब समटाइम ऐसा होता है क्लिक्स पड़ते रहते हैं लेकिन सेल नहीं आ रही होती, इसका यही होता है कि क्लिक आ रहे हैं इट्स मीन कि आपकी जो बिडिंग आपने सेलेक्ट की हुई है वो आपकी बिडिंग लग रही है, वो यानी कि आपके अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो रही है, लेकिन वो अब सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि वो आपको सेल नहीं आई तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। जी ओके मैम, थैंक यू सो मच। जी वेलकम। जी मैम, मेरा क्वेश्चन है कि ये सिर्फ पीएल प्रोडक्ट के लिए या होलसेल प्रोडक्ट के लिए भी है? नहीं ये होलसेल में आप ना होलसेल के साथ इनको मिक्स ना करें, बिकॉज होलसेल जो है ना वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल, होलसेल में ऐसा कुछ नहीं होता, प्राइवेट लेबल में जो है ना ये हमें बिडिंग ये पीपीसी वगैरह रन करनी पड़ती है इस तरह, होलसेल में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, वहाँ पे हमने जस्ट मीटू करना है, और वो ब्रांड की क्योंकि मलकियत प्रोडक्ट पे ब्रांड की होती है ना होलसेल में, तो ब्रांड ही जी रिस्पॉन्सिबल है तमाम चीज़ों को होल्ड करने का, वो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते एज अ जब हमने मीटू किया होता है। जी सही। और दूसरा ये कि ये जो जैसे अभी आपने कहा था कि टाइम ड्यूरेशन है, यानी कि 1 मंथ के लिए अगर ये पीपीसी लगाती है, या जो जब ये टाइम लिमिट खत्म हो तो इसको दोबारा रिन्यू करेंगे? ऑटोमेटिक की जो है ना वो तो डेली बेस पे आपको लगानी पड़ती है, लेकिन मैनुअल की अच्छा, जो है डेली ना पे। वो आप देखते हैं एनालाइज करते हैं जिन कीवर्ड पे सेल आ रही है ठीक है नहीं तो उनको डिलीट किया जाता है और एनालिसिस की जाती है, ये तकरीबन ड्यूरेशन होता है पीपीसी का 3 मंथ का, 3 मंथ हमने एनालिसिस करनी होती है और फिर 3 मंथ के ड्यूरेशन के अंदर अंदर हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो रैंकिंग की तरफ जाती है। ठीक है सर। अच्छा स्टूडेंट इस तरह से है कि पीपीसी का जो सेकंड पार्ट है वो इंशाल्लाह कल कवर हो जाएगा और ये कंटेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हमारा ये मॉड्यूल होता है कि हमने स्टूडेंट के असेसमेंट टेस्ट रखे होते हैं, और असेसमेंट टेस्ट होगा आपका जिसमें आपको स्क्रीन आपकी ही शेयर करवा के हम जो है ना प्रैक्टिकल वे से देखेंगे,
वो आपने कोई डेट डिसाइड करना है। बाकी है कि कल की क्लास में मज़ीद पीपीसी के रिगार्डिंग जो बाकी कंपेन है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं, या पीपीसी के रिगार्डिंग जो एकॉस को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा, एकॉस बेसिकली क्या है, और बाकी जो भी रिमेनिंग लाइक पार्ट टू पीपीसी के रिगार्डिंग वो इंशाल्लाह कल डिस्कस किया जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें। मैम प्रीवियस क्लास की और इस क्लास की वो मिल जाएंगी हमें लिंक्स के बार बार सुनने के लिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस जी जी बिल्कुल, करने लिंक के लिए मुझे। लिंक तो प्रोवाइड आपको किए जाते हैं, वो तो हर क्लास के जी इवेंट। जी मैम पिछले पाया और वो तो चले हम नहीं कर आपको रही तो थी। करना था, अगर लिंक आपको नहीं ना रिसीव हुआ, आपने बैच 13 वालों की प्लेलिस्ट देखनी थी, उसमें हर जी हिसाब से रिकॉर्डिंग जो है ना वो शेयर हो रही होती है। ठीक है मैम, हाँ जी ठीक है, इंशाल्लाह वहीं से आज उसी को ही देखूंगी। जी 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 मैम मैंने भी देखा था लेकिन प्रीवियस वहां पर नहीं है। चले मैं अगेन चेक करूंगी। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से जो है ना वो अब कंप्लीट, वैसे मेरा ये टारगेट होता है क्योंकि एट अ टाइम हमारे दो दो सेशन चल रहे होते हैं, और मैंने दोनों को ही जो है ना वो चीज़ों को शेयर करना होता है। और अरेंजमेंट मेरी इस तरह से होती है कि पहले बैच 13 की और फिर मैंने बैच 14 की, यानी इस तरह से मैंने अपलोडिंग करनी होती है। तो मैंने मेरे ख्याल में मैंने की है, बाकी अगेन मैं चेक करती हूँ ऑन लिस्ट ना हो गई हूँ या फिर क्या रीज़न है क्यों नहीं आपको शो हुई, जी तो मैम इंशाल्लाह कंफर्मेशन करके ना मैं आपको बताती हूँ। ठीक। ओके जी स्टूडेंट्स, और इसको रिकॉर्डिंग तो मंडे मॉर्निंग को ही आपको मिलेगी, और कल जो रिमेनिंग पार्ट है उसको भी डिस्कस करके कंप्लीट वैसे आपको शेयर कर दी जाएगी। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह।